वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम अपने एलपीजी पॉलिसी वाला जो चैप्टर है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का जो है उसको लेके हम आगे चल ही रहे हैं। उसमें हमने दो वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसपे हमारा जितना भी रिमेनिंग मैटर था वो सब पूरा हो चुका है। ये आखिरी वीडियो है जिसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या यूं कहें एलपीजी पॉलिसीज का अप्रेजल करना, देखना कि वो कितना काम किए और कितना नुकसान दिए। बहुत जरूरी है कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी चीज हम करते हैं तो एक फीडबैक लेना जरूरी होता है कि क्या उन पॉलिसीज का या उनका इफेक्ट क्या रहा। सारा कुछ पॉजिटिव ही रहा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कभी होता नहीं है। कुछ नेगेटिविटीज भी रहती हैं। अब हमें ये देखना रहता है कि नेगेटिविटीज कम हो पॉजिटिविटी से तो पॉलिसी बढ़िया है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए तो पॉलिसी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहती है। तो चलिए फिर हम इसको देखते हैं। हमने यहाँ बोर्ड पर सारा कुछ मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है, कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख के कुछ को हाईलाइट कर दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट पहले ले लें फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बेसिकली एलपीजी पॉलिसी में जो डिस्कशन हुआ था कि लिबरलाइजेशन के मेजर्स क्या थे, सेक्टर्स क्या थे, वो सारा कुछ तो हमने देख ही लिया। लिबरलाइजेशन के सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए, फिर प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ, कौन से मेजर्स रखे गए, उसके क्या उसके भी लोग आर्ग्यूमेंट्स किए, कुछ लोग फेवर में थे कुछ लोग अगेंस्ट में थे। फिर ग्लोबलाइजेशन को हमने देखा, WTO को देखा। यहाँ पे हम देखेंगे कि उन एलपीजी पॉलिसीज को जो इम्प्लीमेंट की गई थी 1991 में इकोनॉमी को बचाने के लिए, क्या वो पॉलिसीज पूरी तरीके से सही थी या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस सवाल के कुछ जवाब, ये तो नहीं कहेंगे कि ये पूरे जवाब हैं, कुछ जवाब हम यहाँ देखेंगे। जैसे अगर हम फेवर की बात करें तो बोला गया इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट जो कि 1980 टू 1991 में 5.6% था, यानी GDP का जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ के हो गया 2018-19 में 7.2%। काफ़ी रिमार्केबल इंक्रीज हुआ, बहुत अच्छा इंक्रीज था। इसकी वजह से कई सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन होने लगे और कई सारे सेक्टर्स बूम किए, लेकिन कुछ एकाक सेक्टर्स थे जो बिल्कुल छुए नहीं गए, उनमें हम बात करेंगे अभी। फिर है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज कितना तेजी से आया कंट्री में, यानी हमारा 1990 और 1991 की अगर बात करें तो हमारे पास $100 100 मिलियन था। क्या था? फॉरेन एक्सचेंज था हमारे पास कितना, डॉलर 100 मिलियन था 1990 और 1991 में। लेकिन हमारा 2014-15 के डेटा के हिसाब से हमारे पास US डॉलर 373.5 बिलियन है। 2014-15 के डेटा के हिसाब से US डॉलर 73.5 बिलियन है। काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और ये रिजर्व हमारा काम आता है जब भी हम इंपोर्ट वगैरह करते हैं या किसी भी कंट्री को असिस्टेंस या लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये रिजर्व हमारे बड़ा काम आता है। उसके बाद देखते हैं हम राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये तो इनफ्लो हो गया, इनफ्लो मतलब कितना पैसा आया। फिर यहाँ राइज जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रखा हुआ था वो भी बढ़ा। जैसे पहले हमारे पास कितना रखा था, $6 बिलियन ही था बस 1991 में हमारे पास $6 बिलियन था, और 2014-15 के डेटा हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज भी हुआ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी था 2015-16 को, या फिर नॉर्मल जनरल पब्लिक को हमने दे दिया ग्लोबलाइजेशन में भी कोई नाम, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि वो सब इनकम अभी बहुत कम है, फिर सब काम नहीं होगा, मतलब सेल्फ प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, हमको कैश क्रॉप की तरफ मूव ऑन करना भी कम है, तो आपको सेक्टर को निगलेक्ट किया गया ना, बहुत बहुत ज़्यादा वो दिक्कत किया।